नमस्कार, मैं प्रशांत वशिष्ठ और एसकेएच न्यूज में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के युवा मोर्चा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा कोरोना काल में अपने परिवार की चिंता न करते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में भी दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले फिरोजाबाद जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर आलोक के कार्यों से प्रभावित होकर युवा मोर्चा व्यापार मंडल ने एक उत्साहवर्धन कार्यक्रम के तहत CMS डॉक्टर आलोक कुमार को शॉल व पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों को उनके द्वारा जूस वितरण भी किया गया, जहां इस उत्साहवर्धन कार्यक्रम में व्यापार मंडल के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने CMS डॉक्टर आलोक कुमार को सम्मानित करते हुए कहा कि इन्होंने इतनी भयंकर महामारी बीमारी की परिस्थितियों में भी अपने परिवार की चिंता न करते हुए भी ऐसी कठिन परिस्थितियों के समय भी दिन रात मेहनत करके व्यापारियों एवं मरीजों की सेवा की है। पेश है सचिन जैन की रिपोर्ट। आज युवा मोर्चा व्यापार मंडल के द्वारा फिरोजाबाद में जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री आलोक कुमार जी हैं, इनके द्वारा कोरोना काल में अति सुंदर अति स्वरूप रूप से बहुत सुसज्जित रूप से व्यापारियों को मनमोहक करते हुए आप कार्य कर रहे हैं। तो व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया, क्यों न ऐसे अधिकारियों का साल से पुष्प वर्षा करके उत्साहवर्धन कार्यक्रम किया। हमने जो है कोरोना फाइटर श्री आलोक कुमार जी का उत्साहवर्धन कार्यक्रम का आयोजन पुष्प वर्षा कर किया है। हमारे साथ हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष श्री कैलाश जी उपाध्याय, हमारे युवा नगर महानगर अध्यक्ष बिलाल कुरैसी, महानगर उपाध्यक्ष शिवम सिंह ठाकुर, महानगर महामंत्री श्री अनिल गुप्ता, अमीना जी कोषाध्यक्ष सुफियान कुरैसी जी, आगरा गेट बाजार समिति के अध्यक्ष हमारे लाल परशुराम जी लालवानी और महामंत्री श्री अजय जी उपाध्याय और श्री विष्णु जी गुप्ता, अन्य जो सुभाष जी यादव, अन्य जो व्यापारी युवा ग्रुप है इनके नेतृत्व में और हमने ये कार्य किया है। इसके बाद हम जो है मरीजों को जूस वितरण प्रत्येक उस पर जाएंगे पलंग पर, और हम ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे CMS साहब को ईश्वर पूर्ण रूप से स्वस्थ रख के, मस्त रख के, व्यस्त रख के, जबरदस्त रखे। आज